नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता आवा सईद ने अफजल गुरु के अवशेष सौंपे जाने की मांग की। पिछले साल उमर अब्दुल्ला ने भी विधानसभा में ऐसी ही मांग की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम सर अलग भैया सर यह सर सर वन मोर ईयर सही है। चलो एक्शन सर या हेलो भैया सर कैमरा में देख रहे हैं सर या या थैंक यू सर शेख साहब की फिल्म दिल्ली कांड के लिए उनकी मुहूर्त के लिए और फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि फिल्म अच्छी चले, अच्छी बने, लोग देखें और जल्दी बने, टाइम पे बने। आपका भी किरदार है? हाँ, मैं इसमें निर्भया के फादर का रोल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं तो फिल्म का डायरेक्टर हूँ और फिल्म जो है दिल्ली कांड है, इस ये बेस है निर्भया रेप केस पे जो दिल्ली में हुआ था 16 दिसंबर 2012 को, और इसके ऊपर पूरी फिल्म है। और ये एक सोशल मैसेज है, सोशल कॉज है, इसको लेकर हम फिल्म बना रहे हैं जो अपने देश में रेप होते जा रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के अंदर। और एक के बाद एक रेप हुए आफ्टर निर्भया रेप केस, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए उसमें फैसला नहीं हुआ, जिस हिसाब से उसका नाम दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट, लेकिन नथिंग हैज बीन फास्ट ट्रैक। सो दैट्स द मेजर प्रॉब्लम वी आर शोइंग दैट केस इन दिस फिल्म एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ जूरी सेक्शन ऑफ इंडिया। आपको लगता नहीं है इस तरह की बातों के काउंटर पर आप कोर्ट को सकता है, आपको कहीं नोटिस आ सकते हैं कि आप इनको किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन में पड़ सकते हो?
शायद ऐसा हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि हम जो कॉज को लेकर फिल्म बना रहे हैं, कानून को सुधारने के लिए फिल्म बना रहे हैं और लड़कियों को जो है जो रेप हो रहा है उसको रोकने के लिए फिल्म बना रहे हैं, हम कुछ एक सोशल मैसेज दे रहे हैं। तो आई थिंक एक सोशल मैसेज देना, एक अच्छा कानून चाहना कोई गलत नहीं है फिल्म के अंदर दिखाना। तो आई डोंट थिंक अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ऑब्जेक्शन लेंगे। आपको लगता है आपके दिल्ली कांड के बाद देश में रेप होने बंद हो जाएंगे या फिर काम के ऊपर सुधर जाएंगे? सर, रेप तो बंद हो या ना हो, लेकिन लोगों की सोच तो ज़रूर बदल जाएगी। जहाँ तक मैं ऐसा मानता हूँ कि जो एक फिल्म एक माध्यम है जो लोग देखने के बाद में उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आई थिंक लोगों की सोच ज़रूर बदलेगी। अगर सोच बदलेगी तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ हद तक जो है रेप केसेस कुछ तो कम हो जाएंगे। दिल्ली कांड में मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मीडिया टाइकून का। दिस कैरेक्टर इज ऑल अबाउट अ मीडिया पर्सनालिटी हु इज गोइंग टू रिजॉल्व दिस केस एट हर बेस्ट लेवल। वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ मीडिया, वो एक मीडिया के प्रोस्पेक्टिव को भी शो करेगी, एक वुमन के प्रोस्पेक्टिव को भी शो करेगी कि दिल्ली में जो रेप्स होते हैं ये नहीं होने चाहिए, और अगर होते हैं, अगर छोटी से छोटी भी चीज़ होती है दिल्ली में किसी भी लड़की के साथ, तो उसको सामने आकर उस चीज़ का विरोध करना चाहिए। और अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर इसका विरोध करेंगे देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। सोलह दिसंबर 2012 से इस दर्द का एहसास हुआ था मुझे जब मैंने पहली बार ये न्यूज़ सुनी थी। वो टेलीकास्ट के बाद मैं हिल गई थी बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो इट्स लाइक सो अनसेफ फॉर एनी गर्ल टू स्टे इन दिल्ली, बीइंग अ दिल्ली हेड आई एम सेइंग दैट। तो उसके बाद वो जो खौफ था वो और बढ़ गया, और फिर मैंने उसके बारे में सारे आर्टिकल्स, उसके जो भी न्यूज़ थे, अब जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, आई यूज टू कॉल अप, आई यूज टू गिव माई सजेशन। इवन मैंने ये भी बोला था प्लीज हैंग दैट पर्सन इन मिड ऑफ दैट पीपल और उनको करने दो जो उनको करना है। सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो उसी को उसका वही हश्र करना चाहिए जो उसके साथ हुआ, इवन वर्स देन दैट। सो बीइंग अ मीडिया टाइकून राइट नाउ आई एम प्लेइंग इन दिस फिल्म, सो आई वांट टू रिफ्लेक्ट बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ मीडिया पर्सन दैट हाउ वी शुड कम अक्रॉस टू सच केसेस एंड हाउ वी शुड रिएक्ट टू सच केसेस। जरूरत पड़ने पर मीडिया बहुत बड़ी हीरो होती है। अगर मीडिया नहीं होगी ना तो यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, कुछ नहीं होगा। और विलन इसलिए होती है क्योंकि असलियत बोलती है। अब जब असलियत कोई बोलता है तो सच्चाई सुननी नहीं होती है। सो आई एम विद मीडिया इन दैट वे बिकॉज ऑफ मीडिया वी पीपल आर हियर, वी पीपल आर अवेयर अबाउट द फैक्ट्स व्हिच इज गोइंग ऑन अराउंड। फिल्म की कामयाबी सबसे पहले इस चीज़ से अश्योर होती है कि उसकी स्क्रिप्ट, उसका कंटेंट, उसका मेकिंग, उसके एक्टर्स कैसे हैं। इसमें मुझे हर पैरामीटर पे ये फिल्म सुपर हिट लगती है बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई जस्ट टॉक अबाउट इट, द स्क्रिप्ट इज सो गुड, नोबडी कैन डाउन इट आउट। सो आई थिंक फ्रॉम माय एंड दिस स्क्रिप्ट, दिस फिल्म इज गोइंग टू रॉक फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। सब्जेक्ट तो एक सच्ची घटना से प्रेरित है और इस घटना के बारे में हमें लगता है कि पूरे देश को जानकारी है, और इतनी घिनौनी घटना के बाद भी अगर हमारे देश में रेपिस्ट के खिलाफ सख्त कानून नहीं बनाया जाए तो बड़े दुख की बात है। और ये फिल्म बनाने का हमारे डायरेक्टर साहब का मकसद मेन ये है कि लड़कियों को सुरक्षित किया जाए। कोई भी लड़की हर इंसान की माँ बहन बेटी तो होती है, ये डेफिनेटली बात है। तो जो दूसरों के साथ ये घिनौना जुर्म करते हैं वो खुद की फैमिली के बारे में भी सोचें, अगर खुद की फैमिली के साथ ऐसा बुरा हादसा हो तो उनको कितना दुख होगा। एक इंसानियत के नाते हर इंसान को ये सोचना चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल हो या एक आम इंसान, और ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ सख्त सख्त कानून बनना चाहिए। और इस फिल्म को हमारे सर ने जो बताया कि बनाने का यही मकसद है कि पब्लिक के बीच में हमारे सिस्टम के सामने एक मैसेज रखा जाए कि ऐसे कल्प्रिट को कभी बख्शा ना जाए। नहीं, पुलिस कभी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे सिस्टम की, हमारे कानून की कुछ मजबूरियाँ होती हैं
जिसका फ़ायदा क्रिमिनल्स उठा ले जाते हैं, या अगर पुलिस उस बारे में मजबूर हो जाती है तो उनको फिर नेगेटिव कर लिया जाता है। मैं कोशिश पूरी यही करने वाला हूँ कि जो उन्होंने प्ले किया है एक्चुअल में वही चाहता हूँ। मैं अच्छा कुछ देने वाला नहीं चाहता हूँ। काम तो गंदा है बट करना पड़ेगा और मैं सिर्फ एक्ट ही कर रहा हूँ और फिर से ही करना की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कोई भी ऐसा रेपिस्ट क्या लगता है, माहौल गंदा माहौल होता है बचपन में, जो माहौल होता है माँ बाप हो या कोई भी हो, खास करो रिश्तेदार, माहौल में पता इसलिए होता है या मेंटलिटी ऐसी होती है इंसान की? सर मेंटलिटी नहीं होती, एक वक्त होता है जो अभी हम किस मूड में होते हैं और सामने कौन किस लेवल पे आ गया, किस तरह से आ गया, दिमाग घूम जाता है, वो भी कुछ होता है, कुछ पीछे की चीज़ें होती हैं जो आपको फिल्म में दिखेंगे। देखिए रंजीत साहब बहुत अच्छा रेपी सॉल्व करते हैं, आप इंस्पायर्ड हैं उससे, रंजीत से? नहीं, मैं इंस्पायर किसी से नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा काम नहीं है। तो रोल की बात कर रहा हूँ मैं, रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा, रोल